गाइस ये एग्जॉस्ट फिट हो चुका है, कुछ ऐसी लुक आ रही है बाइक की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं काफी टाइम बाद अपनी बाइक में एग्जॉस्ट फिट करने वाला हूँ। थंबनेल तो आपने देखा होगा, तो ये रहा मेरा एग्जॉस्ट जो मेरे एक्रोपोग का एग्जॉस्ट है, और जो मेरी बैंड पाइप है ये मैंने नई मंगाई हुई है। तो भाई इसको भी अनबॉक्स करके अभी बताता हूँ मैं। और ये है मेरी बाइक MD15। तो आज हम इसमें एग्जॉस्ट फिट करने वाले हैं। तो अभी पहले से अनबॉक्सिंग करते हैं कि कैसा आया हुआ है एग्जॉस्ट। जो उसकी बैंड पाइप है वो कैट वाली है, तो उससे क्या होता है कि जो नॉइस होती है वो थोड़ी कम आती है, और उससे CO2 सेंसर भी इसमें लग जाता है। तो जो यहाँ पे दिया होता है ना बाइक में CO2 सेंसर, वो भी उसमें लग जाता है, उससे भी आवाज़ थोड़ी कम आती है। तो मतलब ज़्यादा शोर होता नहीं है एग्जॉस्ट की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि कैसी बैंड पाइप है, और एग्जॉस्ट भी आपको बताता हूँ मैं, तो फिर हम इसको फिट करेंगे। तो पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि एग्जॉस्ट पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस ये एग्जॉस्ट है जो कि मैंने पहले अपनी बाइक में डाला था, बट फिर मैंने किसी रीज़न की वजह से ये निकाल दिया था। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे, अपनी बैंड पाइप को अनबॉक्स करते हैं। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए मैंने कुछ लाया तो नहीं साथ, बट चलो इसको टेप ही यहाँ से खुल जाती है। सो गाइज इन्होंने मेरे लिए एक की चेन भी भेजी है यार, तो देखो काफ़ी अच्छी मस्त की चेन है। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी बाइक की चाबी टूट गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा की चेन लेनी थी दूसरी। तो चाबी यार की कैसी लग रही, काफ़ी मस्त है की चेन, तो थैंक यू इसके लिए भी यार देने के लिए। तो अब हम करते हैं ये ओपन। गाइज अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स क्या करनी है, ये हो गया। तो हम ये यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको उठाएंगे नहीं, हम इसको उठा लेंगे बाद। सो गाइज ये चेक करो इसकी क्वालिटी, काफ़ी मस्त है यार, और देखो कैट वाली है, प्यारी है, छोटी है ये, उससे मुझे लगता है छोटी थोड़ी बैंड पाइप है, बट ये मस्त है काफ़ी। तो अब हम इसको भी देखते हैं ना, ये वाली इसको भी खोलते हैं। ये चेक करो, ऐसे फिट होती है, लग गया। बट गाइस अभी हमें पूरा पता नहीं है ना ये कैसे लगनी है। तो ये देखो गाइस ऐसे लग जाती है बिल्कुल बराबर। ये है कुछ बैंड पाइप, और ये इसमें ऐसे फिट होनी है यहाँ पे ऐसे। तो मैं आपको एग्जॉस्ट बताता हूँ थोड़ा, एग्जॉस्ट किस तरह लगा। सो गाइस ऐसे लगेगा ये यहाँ पे, चेक करो ये हमारा एग्जॉस्ट गाइस। सो गाइस हमें एक प्रॉब्लम आ गई, जो हमें स्प्रिंग भेजे हुए थे भाई ने, तो ये क्या हो गया, ये थोड़े लंबे हो गए। देखो आप देख सकते हैं कि ये थोड़े लंबे हैं, तो ये एग्जॉस्ट में फिट नहीं आ रहे हैं। तो हमने ट्राई किया था, तो क्या करें, ये हमारी एग्जॉस्ट है और ये बैंड पाइप है। तो अब हम इसको स्प्रिंग मैंने दूसरे मंगा लिए, मैंने अभी उसको कॉल की, तो स्प्रिंग मैंने दूसरे मंगा लिए हैं। तो अब उसको आने का वेट करते हैं, कि तब तक तो हम एग्जॉस्ट फिट नहीं कर सकते हैं। 3 days later। सो गाइस जैसे मैंने कल आपको बताया था, वो स्प्रिंग का हमारा कुछ काम था, तो वो कराने गया है रजाक। तो ये मेरा एग्जॉस्ट है, तो अभी हम एग्जॉस्ट फिट करने हैं अपनी बाइक में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला हम निकाल लेंगे जो हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट लगा है, तो इसको हम पहले निकाल लेंगे। तो ये मेरी बैंड पाइप यहाँ पे है, तो पहले हम मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले एक एलकी चाहिए हमें, इससे हमें ये खोल देना पहले। तो गाइस ये आ गया बाहर, पहले इसका ये इंजन कवर, उसके बाद हम एग्जॉस्ट खोलते हैं। इसके लिए जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको खोलने के लिए पहले ये चाहिए 13 नंबर चाबी, इससे हमें ये दो नट खोलने हैं, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये दो नट, ये वाले दो नट खोलने हैं, तो ये आराम से खुल जाते हैं। मैंने पहले भी खुद ही लगाया था, तो इन्हें पता है कैसे करना है, तो खोलते हैं, भी देखते हैं क्या इच्छा होगा। ये गर्म होता है गाइस, ख्याल रखना, पहले बाइक को ठंडा करो, क्योंकि अगर गरम गरम पकड़ लिया तो बस हाथ जल जाएगा काम खत्म। दूसरी वाली साइड खोलने का ज़्यादा थोड़ा मुश्किल सीन है। ये हमें यहाँ पे CO2 सेंसर दिया हुआ है, जो कि मैंने बैंड पाइप मंगाई उसमें भी CO2 सेंसर है। तो अब हमें इसको खोलना है, चाबी मुझे मिली नहीं, बट ये इससे CO2 सेंसर होता है ना, ये
सो गाइज फाइनली हमने स्टॉक एग्जॉस्ट निकाल दिया, तो ये रहा मेरे हाथ में। इसका वजन काफी ज्यादा है और जो मेरे अपना एग्जॉस्ट लाया है उसका वजन थोड़ा कम है, तो उससे बाइक का भी ओवरऑल वेट कम हो जाएगा, तो स्पीड में इंक्रीज आएगा उसमें। तो ये निकाल दिया मैंने, इसके लिए काफी बस दो नट यहाँ पे खोलने हैं, एक नट ये वाला खोलना होता है, बात खत्म, बस आपका एग्जॉस्ट बाहर। अब हम लगाते हैं दूसरा एग्जॉस्ट, पहले बैंड पाइप फिट करते हैं। सो गाइस ये CO2 सेंसर है, इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका ये कुछ सेंस करता है, तो उससे हमें कम ज़्यादा बाहर निकलता है। तो ये हमने पहले लगा दिया यहाँ से निकाल के, तो इसमें हमने नट फिट करना है, तो हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। सिंपल से क्या करना है आगे आके दिखाऊंगा, सिंपल से ये जो है ना ये आपको ये इसमें डाल देना है ऐसे, बात ख़त्म, डाल दिया। तो इसके बाद हमें इसको नट टाइट करना होता है, तो अब हम इसको लगाते हैं नट, ये वाले जो नट दो नट हैं। एक इधर से दो, एक दूसरी साइड से, ये दो नट हमने टाइट कर दिए हैं। ये गाइस ये बैंड पाइप लगा रहे हैं इसमें, ये कुछ मुझे मजा नहीं आ रहा इसको लगाने में यार, क्योंकि ये फिट नहीं बैठ रही है, पता नहीं क्या मसला है यार, ये बैंड पाइप कुछ खराब है। अब लगे यार, अब ठीक आ गई ना आपके चीज। सो गाइस यहाँ पे नट लगा दिए हैं, अब क्या करना है, गेट खोल के रखो, फिर यहाँ पे आवाज देंगे। पापा ने आ जाना, ओ ये तो बाबा ही है, पल्स आ गई, पल्स। सो फाइनली गाइस ये एग्जॉस्ट फिट हो चुका है, कुछ ऐसी लुक आ रही है बाइक की। तो भाई कैसा लुक आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये पहले मैंने एग्जॉस्ट पहले था मेरे पास, बैंड पाइप मैंने नहीं मंगाई थी, तो फिट हो चुकी है, बट ये स्प्रिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सही फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वो अभी मैं दूसरे ले लूँगा तो फिर लगा लूँगा। तो पहले इसकी लुक बताना कैसी आ रही है, तो अब आवाज़ सुनते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। सो गाइस फाइनली एग्जॉस्ट लग चुका है, तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसको थोड़ा साउंड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। पहले मैं बाइक को ऑन करता हूँ, स्टार्ट करते देखते कैसी आवाज़ है। बताना भाई कैसी आवाज़ आ रही है, थोड़ा रैप करते हैं एक बार।